अरे बेटा, आज तू इतना जल्दी आ गया स्कूल से? हाँ मम्मी, आज शनिवार था ना, सर ने बाल सभा कराई और जल्दी छुट्टी कर दी। अच्छा ठीक है बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। और ये बता, तेरा वो सोतेला भाई आया के नहीं, या वहीं स्कूल में मर गया? अरे मम्मी, जब हम दोनों भाई स्कूल से साथ साथ आ रहे थे तो वो रास्ते में अचानक से ठोकर खाकर गिर गया। उसके सारे कॉपी पेन वहीं बिखर गए, बस वो उन्हीं को उठाकर लेके आ रहा है। भगवान करे वो वहीं पड़ा रहे, नारियल चढ़ाऊंगी। अरे शांति, तुम माँ हो या चंदाली, कोई अपने बेटे के बारे में भला ऐसा सोचता है क्या? देखो जी, होगा वो आपका लाडला बेटा, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, वो मेरा कुछ नहीं लगता। तो उसमें उस बेचारे की क्या गलती है? उसने तो आंखें भी नहीं खोली थी। और तुम भी एक बात कान खोल के सुन लो, कभी बिल्ली के कहने से छींका नहीं टूटता। वो देख, आ गया मेरा बेटा। देखो पापा, आज मेरे टीचर बोल रहे थे कि कल बाकी की फीस लेके आना, वरना स्कूल में बैठने नहीं देंगे। ओह नो। ठीक है बेटा, पर तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। और ये बता, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? तुझे किसी ने मारा है क्या? ऐसी बात नहीं है पापा, मैं रास्ते में ठोकर खाकर गिर गया था, जिसकी वजह से मेरी कोहनी। अरे बेटा, तू ये बैग उतार कर साइड में रख दे और जल्दी चल मेरे साथ, डॉक्टर के यहाँ चलकर तेरा मलहम पट्टी करवाते हैं। देखो जी, उसके थोड़े से खून निकले हैं, कोई पैर नहीं टूट गया। जो डॉक्टर के यहाँ जाकर मलहम पट्टी करवानी पड़ेगी। तुम उसे बोलो पहले आकर बर्तन मांज दे। पता नहीं तेरे माँ बाप ने तेरा नाम शांति क्या सोच के रखा है। और तू कान खोल के सुन ले, अगर तुझे नौकरों की तरह काम करवाना है और घर के बर्तन मंजवाने हैं तो अपने बेटे से मंजवा ले। तू इस बेचारे बिन माँ के बेटे पर अत्याचार क्यों कर रही है? देखो जी, तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मम्मी, तुम पापा पर गुस्सा क्यों कर रही हो? वो सही तो बोल रहे हैं। और तुम जानती हो आज क्या हुआ था? क्या हुआ था बेटा, मुझे बताएगा तभी तो पता चलेगा। मैं स्कूल से खेलते खेलते आ रहा था और अचानक से एक गाड़ी स्पीड के साथ आई और मेरा एक्सीडेंट होने ही वाला था, और भैया ने आकर मुझे धक्का देकर बचा लिया। आज अगर आकाश भैया नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। देखा भाग्यवान, तुम आकाश पर जुल्म ढाती रहती हो, फिर भी वो सारी बातों को भूलकर तुम्हारे बेटे को सही सलामत स्कूल ले जाता है और वापस लाता भी है। ये तो कुछ नहीं है पापा, एक दिन विकास के ऊपर किसी मंजिल से ईंट गिरने वाली थी, oh, no. तो उसका हाथ पकड़कर खींच के मैंने उसका सिर फूटने से बचाया है। हाँ, अब ज्यादा सफाई मत दे, चुपचाप जाकर बर्तन मांज दे और लेटरिन भी साफ कर देना। देखो मम्मी, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि सोतेली माँ सोतेली ही होती है। उसके आगे कुछ भी कर लो, लेकिन वो अपनी माँ नहीं हो सकती। और मैं कितने दिनों से आपका जुल्म सहता आ रहा हूँ, अब आप भी कान खोल के सुन लो। मुझसे